ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਸਮੇਤ 100 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मैंने अभी जो बनाया है, फिलहाल जो भी मैंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, तीर का बांध सोने का बना के, जो लाहौर पाकिस्तान के किसी कलाकार का था, उसका नाम हटवा के मैंने अपने देश का नाम उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया। ये 100वां रिकॉर्ड है जो दर्ज हो चुका है रिकॉर्ड बुक, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में, जो आप देख ही रहे हैं। इससे पहले मैं काफ़ी चीज़ें बना चुका हूँ। छोटी सी मोर है, पतंग है, केतली है, काफ़ी चीज़ें। जैसे 100 है तो लाजमी बात है कि नाम मुझे अभी पूरे याद नहीं आ रहा है। तो 100 विश्व रिकॉर्ड, जो जितनी भी दुनिया में किताबें हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उन सब में मेरी कलाकृतियाँ दर्ज हो चुकी है। और जो इतनी बारीक है कि सूक्ष्म लेंस से ही उसको देखा जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि देश, एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था, तो मेरे दिलो दिमाग में बात रही कि यार चलो सोने की चिड़िया नहीं तो कम से कम अपनी इतनी कलाकृतियाँ बना दो देश के लिए कि विदेशों में ये कहा जाए कि यार अगर सबसे छोटी सोने की कोई छोटी कलाकृतियाँ हैं तो वो कहाँ पे है, कि वो हिंदुस्तान में राजस्थान के छोटे से एक शहर में मौजूद है और वही एक पहचान बनेगी, वही मेरे लिए हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बन जाए। मैंने करीब करीब जो 100 चीज़ें हैं, 100 में से 80-90 तो कौमी एकता का ही और देशभक्ति का ही संदेश देती। मैंने विश्व का एक सबसे छोटा झंडा बना के कनाडा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, जो देश की 12 नंबर की एक सुई आती है उसके छेद में से निकल जाता है। इतना छोटा है कि बिगर लेंस उसको देख भी नहीं सकते।